वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान है बालों की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बालों का झड़ना हो या फिर ग्रोथ नहीं करना हो या फिर बाल पतले हो जाना हो या फिर सफ़ेद हो जाना हो। तो अगर आपको भी उइस है इस तरह से लंबे काले घने बाल, तो आज की रेमेडी को जरूर फॉलो करें और अपने बालों को काले लंबे और खूबसूरत बनाइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप उसे फॉलो कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे आपके बाल एकदम बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, काले लंबे और घने होंगे, मतलब सफ़ेद बाल रिवर्स होंगे और बाल काले होंगे धीरे धीरे डेफिनेटली। और आपके बालों की जो वॉल्यूम है यानी बाल घना भी होगा, यानी आपके पतले बाल जो होते हैं एकदम रूखे सूखे दिखने वाले वो एकदम खूबसूरत बन जाएगी और सफ़ेद बाल काली बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लेना है इंग्रेडिएंट्स जो कि है भृंगराज। भृंगराज जो है बालों की हेयर फॉल यानी हेयर लॉस को रोकती है, प्रिवेंट करती है, रिड्यूस करती है और बालों को घना बनाती है। और अगर आपके बाल पतले हो गए हैं बालों की झड़ने की वजह से, तो आपके बाल फिर से घना होगा यानी बालों की वॉल्यूम बढ़ेगी, आपकी बाल झड़ना बंद हो जाएगी और जो दो हुए बाल होते हैं वो प्रॉब्लम भी हट जाएगी धीरे धीरे। और आपकी बालों की जो ड्राइनेस या फिर रफनेस हो या फिर समय से पहले सफ़ेद हो जाना हो या फिर ग्रे हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ये धीरे धीरे डेफिनेटली दूर करेगी अगर आप उसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको लेना है भृंगराज लीव्स। अगर आपको लीव्स यानी पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप उसका पाउडर भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, और जो नेचुरल होगी और उसका पाउडर लेना है और उसे ऐड करना है कोकोनट ऑयल में। सो फ्रेंड्स, जो कोकोनट ऑयल हम घर में बनाते हैं वो थोड़ा सा जो डीप दिखती है कलर उसकी, लेकिन उसकी जो मार्केट में मिलने वाली होती है वो रिफाइंड होती है, इसलिए वो वाइट दिखती है, साफ दिखती है, पतली दिखती है, लेकिन घर में बनने वाली थोड़ी सी ठीक दिखती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो घर में बना हुआ ले सकते हैं और उसे भृंगराज पाउडर के साथ थोड़ा सा कुक करना है 5 से 10 मिनट। और आपको जितना तेल चाहिए होती है उतना ही लें, 15 to 20 days तक स्टोर करके रख के लगाने के लिए, उससे ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि अगर फ्रेश बनाएंगे और लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। सो फ्रेंड्स, भृंगराज जो है बालों को कंडीशनिंग करती है, बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, बालों को नरिश करती है, स्कैल्प को नरिश करती है और दो मुए बालों की समस्या को दूर करती है। सो आप इस कोकोनट ऑयल ले लें जितनी आपको चाहिए और उसमें उसकी जो है 1/3 यू डाले भृंगराज पाउडर, या फिर आप लीव्स भी ले सकते हैं यानी पत्ते, और उसे थोड़ा सा कुक करने के बाद अपने बालों में मसाज करें, जेंटली अच्छे से मसाज कर लें। और आप अगर उसे शाम को लगाते हैं तो मॉर्निंग आप उसे बालों को धो सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में लगाते हैं तो उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होते हैं और उसकी वजह से वो बालों की सारी ऑयल को सोख लेती है, ऑयल धुल जाती है। सो इस वजह से कोई गुडनेस आपके बालों में नहीं दिखेगी। सो इस वजह से आपको उस दिन शैम्पू नहीं करना है, उससे रहने देना है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चाहें तो बालों को शैम्पू से धो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसे जब मसाज करें अच्छे से जेंटली मसाज करें रूट से लेकर टॉप तक, और फिर उस दिन रहने दें और नेक्स्ट डे आप बालों को धो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप वीकली 3 to 4 times करते हैं तो धीरे धीरे ये आपके बालों को काला लंबा घना बनाएगी, क्योंकि भृंगराज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बालों की रीग्रोथ कराती है, बालों को बढ़ाती है। आप अगर इसे ट्राई करेंगे तो आपको फर्क नज़र आएगी। सो फ्रेंड्स,
भृंगराज जो ऑयल भी है मिल रहे हैं मार्केट में, अगर आप उसे घर में बना के लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी आपको। सो घर में बनाएं और इस्तेमाल करें और फिर फर्क देखें। सो दैट्स द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।